फ्रेंड्स, इन पार्ट टू अब मैं आपको ये बताऊंगा अगले जो पांच स्टेजेस हैं एक इन्वेस्टर्स की जो आते हैं लाइफ टाइम में। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेज है वो फियर का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एंजाइटी हो जाती है, जब मार्केट में काफी पैनिक क्रिएट होने लगता है, उसके बाद एक स्टेज आता है फियर का। फियर मतलब मार्केट सडनली स्टार्ट फॉलिंग डाउन, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि जब यूफोरिया के बाद क्या होता है, जब हर आदमी पैसा लगाने लगता है तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट एक टॉप बनाती है, मतलब एक अपना पीक का लेवल बनाती है, और जैसे ही वो लेवल बनता है उसके बाद मार्केट फिर डाउन होने लगती है। तो मैंने आपको को जैसे ही कहा था, अभी भी यही कह रहा हूं, जब मार्केट में यूफोरिया वर्ड आए ना, इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है मार्केट से। इमीडिएटली अपने सारे जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उसको डाइल्यूट कीजिए, उसको सेफर ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप कितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हो सकता है आपके चांस ये है कि आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिर जाए, आपकी जो होल्डिंग्स हैं उसकी वैल्यू कम हो जाए। दोस्तों जो दूसरा चीज है फियर, अब फियर होता क्या, फियर में क्या होता है कि जब मार्केट कंटिन्यूअसली गिरने लगता है तो लोगों के मन में एक फियर आता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं बेच दूं क्या। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो फियर के टाइम पे ना माइंड बनाते हैं कि अब मुझे जब डिस्काउंट में चीजें मिल रही हैं तो अब मैं बाइंग करना शुरू करूंगा। तो फियर के टाइम जहां एक एवरेज इन्वेस्टर अपना माल बेचता है, तो वहीं एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा बाई करता है। बट क्या अच्छी क्वालिटी स्टॉक बाई करना है? बिल्कुल करना है। अगर आपने वाहियात, अगर गंदी क्वालिटी, अगर आपने कचरा भरा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल मुश्किल है। दोस्तों जो दूसरा स्टेज है फियर के बाद है वो डेस्परेशन का। डेस्परेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप डेस्परेट होने लगते हो, आपको लगता है अब तो गए, बट मार्केट कंटिन्यूअसली फिर भी फॉल होता रहता है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर जाने के बदले बिल्कुल फ्लैट रहता है या नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड मूवमेंट में रहता है। ये भी एक अच्छा टाइम है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या एक स्मार्ट इन्वेस्टर को बाई करने का। तो आज ही आपको डिसाइड करना है कि आप एक एवरेज इन्वेस्टर है या आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली टैक्स फॉर वेल्थ और ये चैनल हमारा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और अच्छे से अच्छा वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आपने सुना होगा मार्केट में अचानक से पैनिक आ गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2008 में हुआ था, जब मार्केट में एक्चुअल में पैनिक आ गई थी, जब मार्केट में क्रैश आया था। तो पैनिक और क्रैश के टाइम पे क्या होता है, हर आदमी अपना पैसा निकालता है, एवरीवन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। क्या वो सही समय निकालने का? आंसर इज नो। पैसे कब निकालने हैं? जब मार्केट में यूफोरिया हो। पैनिक में क्या करना है? हमेशा बाई करना है, हमेशा इन्वेस्ट करना है। तो पैनिक इज ऑलवेज अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेज। तो हमेशा पैनिक के टाइम आपको पैसा डालना है, ना कि निकालना है, क्योंकि पैनिक में अगर आपने पैसा निकाल लिया, हो सकता है आप कभी भी उस चीज को दोबारा ना खरीद पाए। क्योंकि पैनिक में कहावत सुना ही होगा आपने, अच्छी अच्छी क्वालिटी के गोल्ड स्टॉक्स भी नीचे की तरफ मिलते हैं, जिसको गोल्डन स्टॉक्स कहते हैं, गुड क्वालिटी, उसके भी शेयर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में पूरी तरीके से एक निराशा की उम्मीद होती है, कोई होता ही नहीं है। दोस्तों जो चौथा चीज है जिसको कहते हैं कैपिटुलेशन। अब कैपिटुलेशन क्या होता है? एक तरह का स्टेज होता है जिसमें आदमी टोटली पैनिक्स के बाद भी अभी भी एक मतलब एक स्टैगर्ड होता है, मार्केट बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ ही मूवमेंट होता है, उसको कैपिटुलेशन कहते हैं। और जो दोस्तों अपना दसवां पॉइंट है, इसमें तीन पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए, पहला है डिप्रेशन, दूसरा है होप और तीसरा है रिलीफ। डिप्रेशन मतलब कंप्लीटली डिवास्टेटेड, कंप्लीटली गॉन, अब तो लगा कि अब तो कभी मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। बट दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, किसी भी देश का बैकबोन होता है मार्केट, तो मार्केट कुछ हो या ना हो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है। ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, चाहे कितनी भी मंदी आए, चाहे किसी की सरकार आए, चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी कंट्री की, अगर आप लास्ट 50 ईयर की या 40 ईयर की या 30 ईयर की अगर मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं, तो इट हैज ऑलवेज बी ऑन अपसाइड। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अगर अपने दिमाग में डाल लिया तो आपको इस मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी ये जो स्टेजेस हैं इन्वेस्टमेंट के बहुत क्रिटिकल है, आपको पता होना चाहिए व्हेन टू एग्जिट इन द मार्केट। इसके ऊपर हम और नए वीडियोस भी लेके आएंगे फ्यूचर में, बट ये वीडियो में आपको समझना ये जरूरी है क्यों एग्जिट करना जरूरी है सही टाइम पे। अगर आपने नहीं किया तो उसके क्या खामियाजे हो सकते हैं और कब एग्जिट नहीं करना है, कहां पे एग्जिट करना है और कहां पे नहीं करना है, इसको ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो जो डिप्रेशन स्टेज होता है उसके बाद लास्ट में होप और रिलीफ, जैसा कि होप मतलब एक उम्मीद आती है और कहीं ना कहीं फिर बाइंग शुरू हो जाती है नीचे के लेवल पे, जहां से मार्केट फिर से एक पॉजिटिव हो जाता है और फिर से वो साइकिल दोबारा कंटिन्यू होते रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो 10 पॉइंट्स आपको बताए, पांच पुराने वीडियो और मैं पांच इस वीडियो में, आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो यही मार्केट की एक साइकिल होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है इस 10 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो अभी कमेंट में डालिए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा ये टैक्स फॉर वेल्थ चैनल। थैंक यू सो मच।